सबसे अलग। तो आज हमारे साथ हमारे राहुल भाई, और देखते हैं कहाँ जाते हैं यहाँ। अब अपने पास बाहर है नहीं, अपनी तो KTM RC 390 चलती है यार, और KTM RC 390 में राहुल भाई बैठेंगे नहीं। अच्छा, अगर KTM RC 390 में बैठेंगे तो हम बिठा लेंगे यार। अरे तेरी माँ की, कहाँ ला रहा है साले? क्या बोला तूने? आ जा ले टक्कर। कौन सी कार दी थे वो? YouTube में देख रहे थे। Volvo। Volvo। कार कंपैरिजन नहीं हो रहा था? हाँ, मेरी ड्रीम कार है ना यार। भाई की ड्रीम कार है यार, पैसा होगा तो जरूर लेंगे। पहले ही है चाहे महंगी यार, एक सपना सपना होता है ना। सपना ही होता है और सपने सच भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सपने सच होते हैं, रातों के सपने तो यार कहाँ सच होते हैं। खुली आंखों से देखते हैं वो सपने पक्का सच होते हैं। बिल्कुल मेरा भाई। क्या कह रहा था, बीच सड़कों में नई नई जो NH बनाई गई है ना, जो नया ये हाईवे बनाया गया है पेनिया टोल टैक्स से गन्ना सेंटर बाईपास, मतलब कुटरी में निकलता है, तो बीच बीच यार पता नहीं क्या कर दिया है चूतियों की तरह। यहाँ पर यार रोड को ऐसा पास किसने कर दिया यार, कौन था इसका कॉन्ट्रैक्टर? टोल टैक्स से बचवा दो सबका यहाँ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साहब अमीन पहुंच गए हैं झनकट, अमीरों की नगरी झनकट। झनकट की मार्केट है, देखिए ठीक ठाक मार्केट है, सारा कुछ सामान मिल सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है इतनी बड़ी। अरे ब्यूटी पार्लर भाई साहब, ब्यूटी पार्लर। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कारखाने हैं यहाँ पर, मतलब ब्यूटी पार्लर। यार ब्यूटी पार्लर थोड़ा होता भाई, तो क्या होता है? एक कन्वेटर होता है एक टाइप का यार, महिलाओं को सुंदर करने के लिए कारखाने हैं। हाँ, वो नोकिया 3310 नहीं होता, उससे सीधे आईफोन में बदल जाती है यार। हाँ सही बात है मेरे भाई। तो लड़कों को बेवकूफ बनाना है मेरी जान। मेरी जान, तो जिंदगी में ब्यूटी पार्लर तो जाना पड़ेगा मेरी जान। अभी हम झनकट पेट्रोल पंप में रुके हैं और थोड़ा कार में थोड़ा फ्यूलिंग करानी थी। इंसान तो अपने अंदर टाइम से पेट्रोल डाल लेता है, थोड़ा यार हमारे वाहनों में पेट्रोल मिलना चाहिए। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आस। अरे यार मेरे को मतलब बोलोगे? अरे कोई नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है NS, हमारे अतुल भाई की ड्रीम बाइक है NS। तो देखिए यार कुछ लोगों को पता नहीं होता है, और हर पेट्रोल पंप में जितने भी भारतीय पेट्रोल पंप होते हैं सभी पेट्रोल पंप में एक पानी पीने के लिए फिल्टर की व्यवस्था और बाहर जाने के लिए वॉशरूम की व्यवस्था होती है। तो ये सब यार फ्री होती है, पड़ती है पेट्रोल पंप। और एक एयर वायु जिसकी बाइक में या फिर कार में किसी भी दो पहिया चार पहिया छह पहिया बीस पहिया ग्यारह पहिया वाहन में, ये बड़ी अच्छी बात कही यार, वायु कम हो जाती है तो एयर सिस्टम भी दिया रहता है डालने के लिए, और यार पार्किंग की व्यवस्था भी होती है, तो कितना अच्छा सिस्टम है ना हमारे देश का। सबरी कड़ी अब खत्म होने लगी है, मुझे रहा नहीं जाता। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बिडोरा मझूला, और सितारंद कितनी दूर है यार? पहली बात तुम्हारा भाई किसी लड़की से मिलने में जा रहा है यार, तो यार की चैलेंज ठीक है थोड़ा। अपना होली ऐसा तो क्या है, मिल के आते हैं। तो भाई तुम्हारा अपने घर से 10 रुपए लाया और 10 रुपए में आज लड़की को डेट करेगा, तो बन रही है ब्लॉग में लगातार बिल्कुल अंग्रेजी में कंटिन्यू एंड तक देखना ब्लॉग को। आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होना है, तबाही होने वाला है, धमाल मचने बवाल होने वाला है ब्लॉग में।
भाई साहब इंतजार की घड़ी आप खत्म होने वाली है, मेरे दिल में बहुत धक-धक हो रही है। सितारगंज यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। मतलब तुम्हारे भाई का प्यार यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो यार बहुत ही वाली अलग ही वाली फीलिंग्स आने लग रही है मुझे। कोलतार लड़का है, देखिए कोलतार जैसा लड़का है, भयंकर क्या ही सुंदर सुंदर लड़की घुमा रहा है यार। तेरे माथे पे बिंदिया तेरी आंखों में काजल है तमन्ना सजा। अब मुझे जीना नहीं सनम, ये जहर पीना नहीं सनम। सुंदर लड़की नहीं भाई साहब, सुंदर कन्या। हाँ सुंदर कन्या, कुंवारी है या शादीशुदा कुछ पता नहीं है यार, लेकिन घुमा रहा है यार। भाई यार बहुत बुरा लग रहा है। हाँ यार, यार आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया इतने दूर से, 35-40 किलोमीटर दूर से, और वो धानी की रुपाई लगाने चले गई। ऐसा चूड़िया नहीं काटना चाहिए यार, बहुत लंबा और बहुत साफ सुथरे तरीके से हमारा चूड़िया काट दिया गया है। दूर से मारे हैं यार, और कोई शख्स यार चले जा रहा है। क्या सोच के आए थे, 10 रुपए लेके आए थे? क्या सोच के आए थे, और क्या से क्या हो गया यार? पार्टी दोगे ना मेरे यार? पार्टी बिल्कुल देंगे, पार्टी देंगे यार। पार्टी में लिमका पीऊंगा भाई साहब। हाँ लिमका ही पिलाएंगे यार आप। कहाँ रुके हैं बताओ, पार्टी कहाँ कराओगे? अरे चलते हैं यार आगे, कोई ठीक ठाक लोकेशन देख के यार वहीं पे रोक देना। चैस मिला लो यार भाई, ये भौजी की पौध लगाने की खुशी में भाई साहब गद्दारी कर बे। तेरे शहर ते तेरी जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज ते बाद कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इस किता सी तू व्यापार किता सी, वाह गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी सी, क्योंकि मैं तेरे शहर विच सितारगंज आया सी। ओह की पहचान तो जोर ही करता है ना बस। हाँ ये बात भी है, ये बात नहीं सबका करता भाई साहब, इतनी गर्मी में यहाँ आ रहे हैं यार, स्पेशल थोड़ी ना, सबका कटता है भाई साहब। चीयर्स, भाई की पार्टी है यार आज। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं नारंग बत्ता गुरुद्वारा, जस्ट हमारे सामने। देखिए झनकट गांव, अमीरों की नगरी झनकट, काफी अमीर अमीर लोग रहते हैं यार यहाँ पे। फ्रेंड अभी हम झनकट पहुंच गए हैं, और झनकट पहुंच गए हैं तो हमारा थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है, तो मैं सोचा दीदी से मिलते हुए जाते हैं। दीदी का घर भी झनकट में है, और भाई साहब ने भी कहा दीदी से मिल के जाते हैं, ये भी जा रहे हैं। इनको मैं पहली बार ला रहा हूँ, तो क्या हुआ पहली बार ला रहा हूँ तो यार एक रिश्ता होता है ना, दिल से होता है। A few moments later. उतर रहे हैं, राहुल दा अपने घर जाएंगे। चले यार बाय बाय बाय, ख्याल रखना, मैं चश्मा लगा ले यार। चश्मा कहाँ है यार? चश्मा यार, स्मार्ट लग रहा है। तो अरे स्मार्ट बंदा है, नेचुरल बंदा है यार, नेचुरल ब्यूटी ये देखिए। चल फिर आज।